रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, इनके सीमाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इनके क्या लिमिटेशन थे, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल रदरफोर्ड जो बातें बता रहे थे, ये कहीं बार इनका मॉडल देखा गया बच्चों फेल हो गया, क्योंकि क्लार्क मैक्सवेल का एक प्लैंक नियतांक होता है। क्लार्क मैक्सवेल के जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत होते हैं, इनके अनुसार कहा जाता है यदि इस नाभिक के चारों ओर, यदि बच्चों इस नाभिक के चारों ओर कोई अगर आवेशित कण ऐसे घूमता रहेगा, आप ऐसे समझिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो मैक्सवेल कार्क क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, राउंड कर रहा है बराबर, अगर वो राउंड करता रहेगा, घूमता रहेगा, 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 तो एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जित करके इस नाभिक पे गिर जाएगा। ऐसे समझिए, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे इसके चारों ओर घूम रहा है, तो घूमते घूमते ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, ये देखिए जैसे जैसे ह्रास हो रहा है वैसे वैसे नाभिक के नज़दीक आता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ह्रास होती जाएगी वो नाभिक के क्या होता जाएगा, नज़दीक आता जाएगा। ये देखिए एक समय आके इस नाभिक पर गिरेगा, कहा जाता है उस समय नाभिक का विनाश हो जाएगा। सर्पिला कार ऐसे गत करता हुआ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, देखिए ऊर्जा का ह्रास करता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, लगातार ऐसे ऊर्जा का ह्रास करते 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 ऊर्जा ऐसे निकलती रहेगी इससे, ये एनर्जी है, तो ऊर्जा का ह्रास करते करते नाभिक पर गिरेगा, नाभिक का विनाश हो जाएगा। तो इसके बारे में बातें नहीं बताते हैं रदरफोर्ड, जरा आप समझिए। पहले पॉइंट, क्लार्क मैक्सवेल रदरफोर्ड अपना मॉडल दे देते हैं, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रहों के उपग्रहिक चाल के जैसे घूमते रहते हैं। बट इसके बाद जब क्लार्क मैक्सवेल आते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई आवेशित कण इस नाभिक के चारों ओर घूमता रहेगा ना, तो लगातार ऊर्जा का ह्रास भी करेगा, और एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक पर गिरेगा, नाभिक का विनाश हो जाएगा। अब दूसरा मॉडल क्या होता है इनके सीमाओं के बारे में जो नहीं दे पाए थे, दूसरा ये कहा जाता है रदरफोर्ड की जो अपने मॉडल दिए थे वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करते, यानी रदरफोर्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करते, अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान में रखना है, रदरफोर्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या करते ही नहीं। कहने का मतलब कि ये न्यूक्लियस है, इसके नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरे में 32, 2n स्क्वायर के नियम से भरे जाते हैं रदरफोर्ड, इसके बारे में कोई बातें नहीं बताते कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे गत कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा ग्रहों को उपग्रही चाल जैसे गत कर रहे हैं बस, ठीक। तीसरा इनका दोष ये रहा कि परमाणु स्पेक्ट्रम देते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम कैसे देते हैं जरा इसके बारे में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम देते हैं, अब जरा इसे हम लोग समझते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम कैसे देते हैं, जरा आप समझिए बच्चों। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना था, जीमान नामक एक वैज्ञानिक थे, स्टार्क नामक वैज्ञानिक थे, इनका कहना था ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर गत करता रहता है, और जब गत करेगा तो ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो इससे जो निकलने वाली बच्चों जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रवाहित करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर कई पीली पीली रेखाएँ प्राप्त होती हैं, जिसे आप कई लाइमन बामन प्रास्टन ब्रैकेट फंड के तरह होते हैं, तो इनके बारे में बताया गया जो कि रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में रदरफोर्ड कोई अपने विचार देते ही नहीं, तो ये थी रदरफोर्ड की सीमाएँ, आप कह सकते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष होते हैं।